बच्चे को जाए। तो भाई ये चारों बुक्स को मिला के अगर आप चारों बुक का कॉम्बो लेंगे तो बहुत सस्ते दाम में आपके घर तक पहुंचा दूंगा, इतने में आप दुकान से कभी नहीं ले सकते। इवन मैं ये बता दूं कि सारे के सारे दुकानदार भी वेट करते हैं हमारी सेल का, और वो दुकान पे सेल से खरीदते हैं और फिर आप लोगों को मुनाफा लेके वो बेचते हैं। ठीक है, बहुत सारे दुकानदार इस बुक को अपनी दुकान के लिए खरीदेंगे और फिर आपसे वो कमाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे क्या करना है। अब बुक के बारे में बता दूं, बुक्स का प्राइस एंड सेल कब, तो भाई प्राइस मिनिमम रखूंगा, अभी डिसाइड नहीं, क्योंकि पेज डिसाइड हो जाएंगे 2-4-6 दिन में, उस हिसाब से मैं प्राइस, लेकिन मुझे कमाना होता तो मैं फिक्स है, मैं तो इतने में बेचूंगा नहीं, मैं पेजेस के हिसाब से, भाई हमारा इसमें इतना खर्चा आ जाएगा, बस उस खर्चे के हिसाब से कि मुझे नुकसान ना हो, और मैं चूंकि दूंगा आपके घर पे पहुंचाऊंगा तो थोड़ा सा नुकसान के चांसेस रहते हैं उसमें, तो मिनिमम मिनिमम कॉस्ट में मैं आपको दे पाऊं ये मैं कोशिश करता हूं। तो ये सेल तो मैंने आपको बता दी है, ये बुक 10 जून को आप ऑर्डर कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि जो पहले 50,000 ऑर्डर होंगे वो 15 जून तक आपके घर भी पहुंच जाए, ये हमारी कोशिश है। 16 जून तक हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बुक्स मार्केट में कब तक अवेलेबल होंगी, तो ये आप समझ लीजिए 20 जून के बाद इसका जो मार्केट में ये बुक मिलने लगेंगी वो 20 जून के बाद ही मिलेंगी, यानी सेल वालों के घर पहुंच चुकी होगी, उसके बाद आप मार्केट में ला पाओगे। और देखिए हमारे पास 6-7 महीने हैं, मैंने एग्जाम की डेट इसलिए बताई कि हमारे पास 7 महीने हैं इन बुक्स को पढ़ने के लिए, और यही सही टाइम है, अगर बुक्स खरीदना चाहते हो तो यही सही टाइम है रहेगा। और अब आप मान लीजिए बैच से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इन बुक्स को और साथ में कर रहे हैं तो बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी, रैंकर्स बन के निकलोगे। जिनके पास पुरानी बुक्स है, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर हमने पहली बुक्स खरीद रखी है आपकी एसएससी जीडी की, तो उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं कहूंगा वो मत लो, उनके पास वो है, बहुत अच्छी बुक थी पिछली बार भी, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा और इसको अपडेट करके और आसान बनाया है बस। ठीक है, अगर आपके पास पहली ईयर आपको वो समझ आ रही है, आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो उनको कर लीजिए, बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप नई कोई बुक खरीदना चाहते हैं एसएससी जीडी के लिए, फ्री बुक ले लीजिएगा। ठीक है, बुक्स कैसे खरीद सकते हैं, अब आप क्योंकि सर पुरानी से अलग है क्या बुक, हाँ भाई देखिए जो पुरानी बुक में भी प्रीवियस ईयर थे, इसमें भी प्रीवियस ईयर हैं कुछ, तो इसमें 2024 में जो अभी पेपर हुए हैं वो वाले भी इन बुक्स में अपडेटेड मिलेंगे सारे प्रश्न जो पिछली वाली में नहीं थे। अब प्रीवियस ईयर को तो बदल नहीं सकते, जो पहले था वो इस बार भी रहेगा, कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल कुछ कॉमन रहेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के आधार पर ही बुक्स बनाई हैं। बुक्स कैसे खरीद सकते हैं बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं फ्लिपकार्ट पर भी इनको ले आऊं, और फ्लिपकार्ट पर ला पाया तो आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी, यानी आप अपने घर पर जब बुक्स आ जाए तो आप पैसे दे दीजिए और वो आपको बुक देकर चला जाएगा, यानी आप ऑनलाइन भी पेमेंट नहीं करते, पहले पेमेंट नहीं करते तो भी आपके घर बुक पहुंच जाती है कैश में भी। लेकिन ये तब है बच्चे जब मैं फ्लिपकार्ट पर उसे चल रही है, मेरी बात चल रही है कि मैं फ्लिपकार्ट से इस सेल को पॉसिबल कर दूं, मतलब 90% चांस फ्लिपकार्ट पर रहेगी। अब ये फ्लिपकार्ट पर रही तो फिर आपको ये सुविधा भी मिलेगी, ये उनका रूल ही है। और अगर ये हमारे ऐप पर रही तो मैं बहुत मिनिमम कॉस्ट में ही दूंगा, फ्लिपकार्ट पर भी अगर मैं उस कॉस्ट को मीट करा पाया, पता है क्या कंफ्लिक्ट चल रहा है मेरे और उनके बीच, मैं चाहता हूं बच्चे पे कम से कम जाए, कम से कम में आपको इतने में देनी देनी है, वो कहेंगे इतने में नहीं दे पाएंगे, इतने में देनी देनी, बस इस बात पे जद्दोजहद चल रही है। ठीक है, अगर वो मेरी बातों पर एग्री हो गए बहुत कम से कम में पहुंचाने पे, तो मैं इसी पर ले आऊंगा सेल। ठीक है, अगर वो बिल्कुल बात नहीं बनी, वैसे उन्होंने इस बार खुद से बोला है कि हम कर लेंगे सर आप लेके तो आइए, तो फिर जो मैं इनके साथ चला जाऊंगा और फिर आपको भी फायदा होगा, इजी रहेंगी आपके लिए भी। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको रोजगार विदंकित ऐप के थ्रू जो बुक का फोल्डर है उसके थ्रू बुक परचेज करनी होगी। ठीक है, फिर ये ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। जब आप आरडब्ल्यू ऐप पे आते हैं तो वहां हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे पाते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चार्जेस लगते हैं। ठीक है, कंपनीज जिनके थ्रू हम पहुंचाते हैं, जो पोस्ट ऑफिस वाला काम करती हैं, वो इसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज करती है हमसे, इसलिए ये सुविधा हम नहीं दे पाते। क्लियर, यही बैच चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही बैच, कोई भी कितना भी महंगा बैच हो, जो हमारे सबसे महंगा भी हो, हम ये नहीं देखेंगे वो कितना महंगा कितना नहीं, क्योंकि इस समय बस व्यवस्था ये है कि उन्होंने जो किया है, हम तो बैच तो बहुत छोटी चीज है, बस यही कहेंगे कि सिलेक्शन लेके फिर से तुम भी मिलने आना। हम शायद इसे खाने की चीज को बैच देके नहीं उतार सकते, पर इतना आपको लोगों के लिए कर सकते हैं, जितनी भी बहने हैं कोई सा बैच जो उनका मनपसंद बैच हो, जिसकी वो तैयारी कर रही हो, कोई भी बैच ले ले, वो हम बैच उनके लिए जरूर उपलब्ध कराएंगे। अक्की भाई जाते ही उनका बैच एक बार उनका नंबर लेके जाना और उनका बैच जो भी बैच वो बोल दे वो बैच उनका तुरंत ओपन करवा देंगे। तो ये अंकित भाटी सर की तरफ से मेरी अभी बात हुई थी सर से, तो उन्होंने यही बोला है कि गुड़िया को कुछ ना कुछ देके जरूर आना, और देने के लिए एक टीचर के पास, एक संस्था के पास शिक्षा से अलग और कोई जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इन बैच से पढ़कर ये अपना जीवन सफल बनाएंगे और सम्मान समारोह में मिलने जरूर आएंगे। मच्छर।